तो मानिए ब्लॉग आज मैं हूँ घर के पास वाली साइड में जंगल के उससे थोड़ी आगे वाली साइड पे और मैं पीछे इतना सुंदर पैरामेटा रिवर का व्यू है और वहाँ पे एक ब्रिज भी है। यहाँ पे कुछ बट हवा की वजह से इधर उधर जा रही है। फ्रेंड्स मैं आया था लेक पे पर यहाँ पे बोटिंग बंद हो गई है मौसम खराब होने की वजह से, पर यहाँ पे कुछ बच्चे टॉयज भी ला रहे हैं जो कि पानी में चल सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आ रही है वो बोट। फ्रेंड्स ये तो रिमोट से चलती है पर रिमोट की चीजें पानी में नहीं चल सकती, नहीं कार चल सकती, नहीं कोई बोट चल सकती, पर ये कैसे चल गई। मैं भी सोच रहा हूँ इसको लेने का। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बोर्ड लगा जिस पे कह रहे हैं यहाँ पे किसी भी पंछी का खाना मत खिलाए, कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज लिखी है, यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है। फ्रेंड यहाँ पे बहुत से लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, मेरे पीछे एक टॉय चल रहा है जो कि अच्छे से चल रहा है, पानी में डूब भी नहीं रहा। यहाँ ये बहुत अच्छी बोट है और इसका एक छोटा सा बच्चा कंट्रोल कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पे बहुत से लोग पिकनिक करने भी आते हैं और यहाँ पे कुछ लोग बर्थडे भी मनाते हैं कई लोगों का। फ्रेंड यहाँ पे सब लोग बारबेक्यू कर रहे हैं और जब उनका मन करे नहाने जाओ वो नहाने जा रहे हैं और जब उनका मन करे खाना खाए वो खाने भी आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे प्ले भी कर रहे हैं और यहाँ पे सब लोग फन कर रहे हैं अपना अपना। फ्रेंड्स मेरे पीछे बहुत से लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं उनके साथ स्विमिंग और यहाँ पे बाउंड्री भी लगाई है ताकि आप डीप वाटर में जा पाए और ना आप डूबे मत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं। अब मैं पीछे देख सकते हैं कैसे बारबेक्यू पार्टी हो रही है। फ्रेंड अब इतनी सारी गाड़ियां पर खड़ी हैं, आपको अंदाजा ही लगा सकते हैं यहाँ पे कितने लोग होंगे। और ये तो जगह का फर्स्ट एरिया है, दूसरा एरिया भी बचे हैं अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे इस एरिया का पूरा मैप है और यहाँ पे लिखा है होल्ड अ हेड, कोई बच्चा ताकि गिर ना पाए। यहाँ पे कैफे भी है, हम आए पेट्रोल पंप पे क्योंकि ना हमारा गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया था। पेट्रोल जो है हमें खुद डालना पड़ता है, जाके काउंटर पे पेमेंट करनी पड़ती है। फ्रेंड्स यहाँ के पेट्रोल पंप पे ऐसा होता है, यहाँ पे ना फ्यूल पंप पे ना छोटे स्टोर्स होते हैं, वहां से बेसिक चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि कॉक चिप्स। फ्रेंड्स हम आए पैरामेटा में डिनर करने के लिए, यहाँ पे हमेशा तो पार्किंग नहीं मिलती, आज हमारा कलक था इसलिए हमें पार्किंग मिल गई। यहाँ पे मोस्टली सब लोग इंडियन है और यहाँ पे थोड़े इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। फ्रेंड्स लकीली संडे था इसलिए कोई भी रेस्टोरेंट में हमें सीट मिल सकती है। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है हमारा खाना, हमारा खाना आने वाला है। फ्रेंड्स हमने अपने पेट का फुल कर लिया, अब हम मिठाई लेने जा रहे हैं, चलो चलते हैं मिठाई लेने के लिए। फ्रेंड्स हमारे मिठाई की शॉप पे मिठाई लेने के लिए, यहाँ पे हर तरह की मिठाई है। फ्रेंड्स मैं आ गया मिठाई लेके, अब मैं घर जाके मिठाई को खाऊंगा। फ्रेंड्स हमारा डिनर हो गया, अब हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। फ्रेंड्स मैं आई हूँ आज मूवी देखने जिसका नाम है फाइट है। ये इंडियन एयरफोर्स पर बनी है, चलो देखते हैं कैसी है। फ्रेंड्स मैं मूवी थिएटर में आ गया हूँ पर अभी तक चार्ज चल रही, मूवी स्टार्ट नहीं हो रही और मैं अपने मर्ज अच्छे वाले काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी तक चार्ज चल रही है, मूवी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड्स मैं घर आ गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा कल स्कूल भी है और
मैं अभी कपड़े चेंज करके सोने जा रहा हूँ। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।